पहले हम सारी परीक्षाओं को संपन्न करवाएंगे और उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी तो हम सीबीआई की जांच भी करा देंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है कि महाराष्ट्र की सरकार ने भी इस नकल अध्यादेश की कॉपी मांगी है कि हमने कैसे नकल अध्यादेश बनाया है। गुजरात की सरकार इसको लागू करने जा रही है, लागू करेगी। पूरे देश के अंदर सारे ही प्रदेश धीरे धीरे उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून बनने के बाद अब तक केवल दो परीक्षाएं कराई गई हैं, जिसमें पहली पेपर लीक होने के बाद दोबारा कराई गई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा है और दूसरी पीसीएस की मुख्य परीक्षा। जब से यह कानून उत्तराखंड में बना है तब से उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर क्या एक्शन लिया गया है इसकी भी अभी कोई खास तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि केंद्र सरकार और दूसरे प्रदेश उनके बनाए गए कानून को लागू करना चाहती है। उत्तराखंड सरकार के इस दावे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब कानून के फायदों को लेकर कोई ठोस रिजल्ट आया ही नहीं तो दूसरे प्रदेशों ने कैसे इस कानून को लागू करने की बात कह दी है। फिर दूसरी ओर उत्तराखंड की धामी सरकार जिन युवाओं की मांग पर यह कानून लेकर आई वो युवा तो आज भी भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी और उनके सहयोगी संगठन लगातार बड़ी बड़ी रैलियां कर प्रदेश की जनता को कानून के फायदे बता रहे हैं, जो अपने आप में सरकार का एक पब्लिसिटी स्टंट जैसा नजर आता है। चलिए अब आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात सुनाते हैं जो उन्होंने आज आभार रैली के दौरान कही है। कि हमारा मकसद केवल एक ही है कि जो भी अपराधी है, जिन्होंने भी संगठित रूप से अपराध किया है, जिन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, उन्होंने लूट करी है, जिन्होंने डकैती करी है और जो भी इस अपराध में संलिप्त है वह किसी कीमत पर भी नहीं बचने चाहिए, उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। और हमने तय किया है कि यह जांच हाईकोर्ट के माननीय जज माननीय न्यायाधीश की जो है देखरेख में हो। हमारी तरफ से पत्र भेज दिया गया है जिससे कि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो और कोई भी जो है जिसकी संलिप्तता हो वो किसी कीमत पर भी न बच पाए। अब आप सीएम धामी की वो बात सुनिए जो उन्होंने भरे मंच से प्रदेश की जनता को कहा है। अभी यहाँ नीले पैनल भरने बैठे हुए थे, यहाँ हमारे यहाँ के आए थे, अभी मुझसे कह रहे थे कि महाराष्ट्र की सरकार ने भी इस नकल अध्यादेश की कॉपी मांगी है कि हमने कैसा नकल अध्यादेश बनाया। गुजरात की सरकार इसको लागू करने जा रही है भाइयों बहनों। पूरे देश के अंदर सारे ही प्रदेश धीरे धीरे इस नकल अध्यादेश को लागू करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष के लोगों को लगता है कि सरकार पर झूठे आरोप लगाकर अनाप शनाप बोलकर ही अब सत्ता का रास्ता निकलेगा, लेकिन अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है भाइयों बहनों। मैं विपक्ष के लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आप कोई गलतफहमी न पालें, क्योंकि प्रदेश की जनता मेरे युवा साथी सब पूरी तरह से जाग चुके हैं और प्रदेश और देश के उज्जवल भविष्य के लिए हम अपना जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो निछावर करने के लिए तैयार हैं।